ये देखिए मम्मी ठोकवा का तैयारी कर चुकी है। ठोकवा बनाएंगे चढ़ाने के लिए। तो गाइस ये देखिए हमारा ठोकवा तैयार हो गया है। इधर मम्मी निकाल सोने चांदी का ही दूध मिसल, दो दो क्या कहते हैं उसको, दाल भरती, दाल भरी नहीं सर मिसल। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे भी हम। तो गाइस इधर मम्मी हमारी रेडी हो गई हैं और पूजा पाठ के लिए अभी हम लोग लेके जाएंगे, और ये हमारा भाई लेके जा रहा है। गाइस भाभी जी भी हो गई हैं रेडी, आप लोग देख सकते हैं इधर एकदम, हाँ इतनी खूबसूरत, इतनी हैंडसम, इतनी स्मार्ट। भाभी जी मुलाकात तो हो गई, एक दो सौ डिश भाभी का ले लेते हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ अरे कार्तिक क्या कर रहे हो, सुना है गाइस। स्वागत करते हैं आप सबका अपने YouTube चैनल दीपक जोशव ब्लॉग पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो गाइस जैसा आपको पता है कि आज है जुतिया पूजा, जिसको जीवित पुत्र का व्रत भी बोलते हैं, जो कि मम्मी हमारी हैं। और इधर मम्मी ने पूरा फल फ्रूट और पूड़ी वगैरह बना लिया है, अभी आपको हम दिखाएंगे वीडियो में, क्योंकि ये पहले शुरुआत कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को वेलकम करना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, शायद आप लोग को अच्छा लगता हो कमेंट में जरूर बताना। और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देते रहना। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं उनसे भी यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखते हो, और जो लोग नहीं किए हो ना भैया कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँचेगा कि दीपक भाई ने कौन सा पहले वीडियो अपडेट किया है। तो आप लोग देख सकते हो इधर साड़ी वगैरह सब चढ़ता है और तमाम तरह के फल है, जैसे और किसी फल जो मैं कल लाया था पिछले ब्लॉग में आप लोग दिखाया था मैंने। तो मम्मी ये पूरा तैयारी कर रही है, अभी शाम को चलेंगी पूजा, ये शाम का पूजा होता है गाइस, और हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पे पूजा इसका होता है, अभी वहाँ भी चलेंगे दिखाएंगे। और उधर दिया भी तैयार हो गया है, और भाभी सोना परी, सोना क्या कहती है, हाँ अच्छा, हाँ कार्तिक मेरा कितना प्यारा बोलता है, दादी चाचू क्यों कार्तिक, हाँ इसमें जूतिया है। अच्छा इसमें जूतिया है, सोने चांदी का ही जूतिया है, जूती नहीं जूतिया, यहाँ जूतिया बाबू। तो ये सब भी चढ़ता, धागा धागा वगैरह चढ़ते हैं सभी को, जैसे घर में परिवार है इतने लोग सबको बांधा जाता है, पहना जाता है जी, बांधा बांधा है पहना, जैसे कलाई में कलाई में या फिर गले में पहना हो गले में। ये आंटी की बाबू भी बांधी है। हाँ तो आज मम्मी सब दो दो क्या कहते हैं उसको, दाल भरती, दाल भरी नहीं सर पिसल नहीं भरी है, सोने चांदी का जूतिया चढ़ता है गाइस, और छोटे बच्चे पहन सकते हैं, हम भी पहन सकते हैं, क्यों सब पहनते हैं सब बड़े सब। गुड इवनिंग फैमिली, ये देखिए 12 बज चुके हैं और धीरे धीरे पूजा का समय भी होते जा रहा है, और इधर मम्मी तैयारी कर रही हैं। क्या बना रही मम्मी आप, ठोकवा बना रहे हैं। ये देखिए मम्मी ठोकवा का तैयारी कर चुकी हैं, ठोकवा बनाएंगे चढ़ाने के लिए, ठोकवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगी, और क्या बनाएंगे मम्मी, बनता है तो बहुत सामान, गुजिया जी बनता है, ये देखिए गाइस इधर मैंने सारा फ्रूट निकाल के रख दिया है, और ये छितनी है, अब मैं पहले इसको धुल दूंगी छितनी को, और उसके बाद सारा फ्रूट एक एक करके धुल कर फिर इसमें रखूंगी अच्छे से। हाँ हाँ छितनी धो कर ही रखेंगे, सारा फ्रूट धुल कर छितनी में रख दिया है, अब ये पानी झड़ जाएगा फिर उसके बाद मैं इसको बाहर रखूँगी। और ठोकवा छन चुका है गाइस, अब इधर पूरी मम्मी छान रही है, बस पूरी छन जाते हैं उसके बाद और तैयारी करते हैं हम लोग। तो ये देखिए गाइस इधर ठोकवा मम्मी बेल के रख रही हैं, इधर गैस ऑन हो गया है, अभी जब रिफाइंड मीठा तेल गर्म हो जाएगा तब उसमें छानेंगे। तो गाइस इधर देखिए मम्मी देख रही हैं तेल गरम हो गया कि नहीं, थोड़ा सा चेक कर रही, जब हो जाएगा तब इसमें डालेंगे, आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारा ठोकवा तैयार हो गया है, इधर मम्मी निकाल रही हैं,
A few moments later. तो गाइस इधर मम्मी हमारी रेडी हो गई हैं और पूजा पाठ के लिए अभी हम लोग लेके जाएंगे तो हाथों में कमंडल जल अभी जा रहे हैं मंदिर पे, तो पीछे पीछे हम लोग भी जा रहे हैं। अभी मम्मी निकल गई घर से। गाइस भाभी जी भी हो गई हैं रेडी, आप लोग देख सकते हैं इधर एकदम चमक धमक साड़ी में बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। अभी अभी अच्छा लग रहा है साड़ी, कहाँ से ली थी यार? बनारस की रहने वाली, बनारस की साड़ी। अरे सामने तो हजाम फैमिली का चेहरा नहीं देखी है। अरे क्या बात है, क्या बात है, ओहो आज एकदम बवाल लग रही हो, क्या बात है। ऐसी भौजी यार सबको मिले, सबको मिले। हाँ इतनी खूबसूरत, इतनी हैंडसम, इतनी स्मार्ट। गाइस भी कहते हैं आपकी भाभी बहुत अच्छी है। इतना तारीफ करोगे तो फिर जानते हो ना सब और कमेंट भी करेंगे। अभी कान में गाइस पहनी भी नहीं, अभी पहनने जा रही है, गले नहीं पहनी, अभी पहन लेंगी तब तो और बवाल लगेंगी, मतलब और सुंदर। और बाबू जी तो बवाल करने के लिए होती हैं। तो गाइज मम्मी चली गई हैं पूजा पाठ में, और भाभी जी पीछे पीछे जाएंगी क्योंकि मम्मी को अभी लेट हो रहा था पूजा में। और कुछ बाकी है क्या अभी? नहीं हो गया, चलो गाइज पूरा जो फल फ्रूट रखा रहता है तो इसे लेके चलते हैं। और ये हमारा भाई लेके जा रहा है। तो गाइज मम्मी यहाँ पे आ गई हैं और मम्मी के साथ सब उनकी सखी लोग। और यहाँ पे देखिए ऐसे पूजा होता है कुछ इस तरीकों से। इधर मेरी मम्मी, सभी गांव की महिलाएं भी हैं। कथा भी गाइस बहुत अच्छा सुनाया जाता है, कहानी एक। तो गाइस यहां देखिए सभी महिलाएं बैठ के कथा सुन रही हैं। अभी मम्मी हमारी पहुंची है तो मम्मी का अभी पूजा पाठ का नंबर नहीं आया है क्योंकि सभी महिलाएं बैठी हुई है ज़मीन पे और ये कहानी चल रही है जैसे आप लोग सुन भी रहे हो। और कहानी ये जुतिया माता के बारे में रहता है। हाँ अरे कार्तिक क्या कर रहे हो? सुना अच्छा अच्छा। ओहो सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं गाइस, हो गया मम्मी का। सभी आंटी भाभी दोनों लोग खड़ी है इधर। धुआं धुआं हो गई एकदम। सो गाइस मम्मी यहाँ पूजा कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं दिया बार रही हैं। और जुतिया माता की पूजा माँ अपने बेटे बेटी बहू के लिए रखती हैं। और हमारी माँ क्या सभी महिलाएं रहती हैं और भाभी जी चाची आंटी लोग सब लोग आ गई थी यहाँ पूजा में शामिल होने के लिए। पूजा भी जाना बस अभी आशीर्वाद लेंगे ना। तो मम्मी इधर पूजा कर रही हैं, आरती हो रहा है, आरती हो रहा है।